दोस्तों, आज टीवी इंडस्ट्री की जानकारी रखने वाला शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो नागिन सीरियल के बारे में ना जानता हो। इस सीरियल की अब तक 5 फ्रेंचाइजीज बन चुकी हैं, जिनमें वर्तमान में इसका 5वां सीजन टीवी पर प्रसारित हो रहा है और इन 5ों सीजन में हमें टीवी इंडस्ट्री के कई एक्टर्स देखने को मिले हैं, जिन्होंने नागराज की भूमिका निभाई तो किसी ने नकारात्मक किरदार निभाया। पर क्या आप जानते हैं कि इन 5ों फ्रेंचाइजी में अलग अलग किरदार में नजर आए अभिनेताओं में से किस अभिनेता को दर्शकों ने सबसे ज्यादा पसंद किया है और किस एक्टर ने अपनी पोजीशन किस स्थान पर बनाई है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको नागिन फ्रेंचाइजी में नजर आए कुछ एक्टर्स से रूबरू करवाएंगे, जिनमें से नंबर 1 वाले की तो पूरी दुनिया ही दीवानी है। नंबर 8 धीरज धूपर। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर टीवी इंडस्ट्री के हैंडसम हंक अभिनेता धीरज धूपर को रखा गया है, जो कि नागिन 5 में अंकेश के नकारात्मक किरदार को निभाते हुए नजर आए थे, जिनके नकारात्मक किरदार ने तो दर्शकों का दिल ही जीत लिया था। पर साथ ही साथ इनका डेंजरस लुक भी कुछ कम नहीं था, जिसने दर्शकों के मन में खौफ पैदा कर दिया था। यही वजह रही कि कम समय में भी ये दर्शकों के चहेते बन गए थे, जिसके चलते इन्हें इस कैटेगरी में नंबर 8 पर रखा गया है। नंबर 7 करणवीर बोहरा। अगर आप सभी ने नागिन का दूसरा सीजन देखा होगा तो आप रॉकी के किरदार से भला कैसे अनजान होंगे, जो कि नाग की भूमिका निभाते हुए नजर आए थे। इसी के साथ इनकी और शिवांगी की जोड़ी को भी काफी पसंद किया गया था, जिसके चलते करणवीर बोहरा को धीरज धूपर के बाद 7वें स्थान पर रखा गया है। नंबर 6 मोहित सहगल। सुपर नेचुरल शो नागिन 5 में नजर आ रहे अभिनेता मोहित सहगल इस शो में जय के किरदार को निभाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इनका किरदार शुरू शुरू में जब पॉजिटिव था तो दर्शकों को बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन जब इन्होंने एक नकारात्मक किरदार निभाना शुरू कर दिया तो इनकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई। इसीलिए इनके किरदार को देखते हुए इन्हें इस लिस्ट में नंबर 6 पर रखा गया है। नंबर 5 रजत टोकस। जी हाँ, अभिनेता रजत टोकस वही हैं जो आपको नागिन के पहले और तीसरे सीजन में देखने को मिले थे, जहाँ एक तरफ इन्होंने पहले सीजन में इच्छाधारी नेवले की भूमिका निभाई थी तो दूसरी तरफ ये तीसरे सीजन में इच्छाधारी नाग की भूमिका में थे। इन्होंने अपने दोनों ही किरदार से दर्शकों के दिलों पर एक अलग छाप छोड़ दी थी। यही वजह है कि इस जबरदस्त एक्टर को इस कैटेगरी में नंबर 5 पे रखा गया है। नंबर 4 विजेंद्र कुमारिया। नागिन भाग्य का जहरीला खेल में नजर आए अभिनेता विजेंद्र कुमारिया ने इस शो में इच्छाधारी देव की भूमिका निभाई थी, जिसके नागराज वाले लुक ने तो दर्शकों का दिल जीता ही था। साथ ही साथ इनकी जोड़ी को वृंदा के साथ काफी पसंद किया गया था। दर्शकों की इसी पसंद को देखते हुए इन्हें इस लिस्ट में 4th पोजीशन पर रखा गया है। नंबर 3 शरद मल्होत्रा। अगर आप सभी नागिन 5 देख रहे होंगे तो आप शायद ही इस शो में चील वीर के किरदार से अनजान होंगे। इसी किरदार को अभिनेता शरद मल्होत्रा पर्दे पर पेश करते हुए नजर आ रहे हैं, जिन्होंने अपने हर एक अंदाज से दर्शकों का दिल जीत लिया है। स्पेशली इनकी जोड़ी तो बानी के साथ सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। यही तो खासियत है जो इन्हें इस लिस्ट की कड़ी में 3rd पोजीशन पर लाकर खड़ा करती है। नंबर 2 अर्जुन बिजलानी। अब इस लिस्ट में नागिन के पहले सीजन में नजर आए अभिनेता अर्जुन बिजलानी की बात ना करें तो इसमें सरासर नाइंसाफी होगी। इन्होंने ही तो पहले सीजन में न सिर्फ दर्शकों का बल्कि करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया था। यही वजह है कि ये दर्शकों के चहेते बन गए थे। इन सभी बातों के लिए ही ये दूसरे नंबर पर अपनी पोजीशन बनाए हुए बैठे हैं। नंबर 1 पॉल वी पुरी। नागिन 3 में माहिर की भूमिका निभाकर अपना नाम इस लिस्ट की पहली कड़ी में दर्ज करवाने वाले अभिनेता पॉल वी पुरी ने इसमें कोई इच्छाधारी नाग की भूमिका नहीं निभाई थी। महज ये एक साधारण किरदार से दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रहे थे। इनका किरदार जितना लाजवाब था, उससे अच्छी इनकी केमिस्ट्री बेला के साथ जमी थी, जिनके रोमांटिक अंदाज से लेकर इनकी शानदार केमिस्ट्री ने लाखों करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना लिया था। और यही वजह है आज इस सीरियल के ऑफ एयर होने के बावजूद दर्शक इन्हें भुला नहीं पाए हैं। यही तो वो खासियत थी जो इन्हें नंबर 1 पोजीशन पर लाती है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इन अभिनेताओं की कौन सी पोजीशन होनी चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।